बहुत स्वागत है। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेरी स्पेशल टॉपिक हमारे मंत्र ऑफ लाइफ के सेशन में, मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जैसा आपको पता है कि संडे का दिन है, संडे के दिन में आज बहुत स्पेशल टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर अभी हम आपको एक अटेंडेंस प्रोवाइड कराने वाले हैं, अभी चैट बॉक्स में भी आ रहा है अटेंडेंस, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग का विशेष आभार कि आप संडे के टाइम में आप लोग यहाँ पर समय निकाल कर आए। कहीं संडे के समय हमारे पास कई ऑप्शन होता है, इधर जाना उधर जाना, मूवी देखना है, बट आप लोग भगवद गीता पर सेशन सुनने आए हैं, मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन वो भी, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज हम लोग हाईली डिस्ट्रैक्टेड हैं आज के समय। तो आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करने आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो हमारे आज के स्पीकर हैं उनका मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके बारे में, इज वेरी स्पेशल स्पीकर। मैं आपके बीच में स्वागत करना चाहता हूं परम आदरणीय इसके रामभद्र प्रभु जी का। हमारे बीच में इसके रामभद्र प्रभु जी जो हैं हमारे एक लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं, मेंटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, हजारों युवाओं को स्पिरिचुअल गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। करेंटली इस समय प्रभु जी इसके रामभद्र प्रभु जी इस्कॉन गुरुग्राम के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। इस्कॉन गुरुग्राम आपको लग रहा होगा कि एक छोटा मंदिर है जैसा मंदिर हम समझते हैं, बट ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं, बहुत ही एक अद्भुत मंदिर है। इसने अभी आपको जैसे पता होगा कि कोविड पैंडेमिक के समय में जहां पर पूरी दुनिया हताश और निराश थी, इस समय इस्कॉन गुरुग्राम ऐसे टफ समय में सामने आता है और रोजी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में हर महीने करीब 2 लाख से ज़्यादा कोविड पेशेंट को रोजी ने एक न्यूट्रिशियस फूड उनको प्रोवाइड कराया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा कार्य प्रभु जी के मार्गदर्शन में हुआ है। इसके लिए प्रभु जी को इस अतुलनीय योगदान के लिए प्रभु जी को एक सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट से भी प्रभु जी को सम्मानित किया गया। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट है प्रभु जी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से प्रोवाइड कराया गया। प्रभु जी के मार्गदर्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस्कॉन गुरुग्राम की जो मीडिया एंड प्रमोशन टीम है उन्होंने एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बनाया था जिसका नाम था मॉन्क्स ऑन द मिशन। और इस मॉन्क ऑफ द मिशन शॉर्ट फिल्म को इस साल के शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में जो टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर के रूप में इसको सेलेक्ट किया गया है। तो इतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हजारों युवाओं को के जीवन को प्रोजी मार्गदर्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको जीवन को सुधार रहे हैं। पिछले साल ही प्रोजी के मार्गदर्शन में हमने मेगा यूथ फेस्टिवल उमंग फेस्टिवल किया था जिसमें 25,000 से ज़्यादा युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था। और इस फेस्टिवल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि एंटी ड्रग्स कैंपेन के लिए इतने ज्यादा यूथ को इंस्पायर करके प्रभुजी इस फेस्टिवल में लेके आए थे। और जैसे आपके भी स्क्रीन में आपको आ रहा होगा मॉन्क्स ऑन द मिशन रियलिटी बेस्ड फिल्म, ये टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड प्रभुजी के मार्गदर्शन में इस्कॉन गुरुग्राम की मीडिया प्रमोशन की बनाई शॉर्ट फिल्म को मिला है। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभुजी ने अपना एजुकेशन थोड़ा मैं बताना चाहूंगा प्रभुजी के बारे में। प्रभुजी ने अपना बीटेक कंप्लीट किया फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और इसके बाद प्रभु जी ने कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडिया बुल्स में एज ए मैनेजर वहाँ जॉब किया। और जब इन्होंने समाज की कंडीशन को देखा कि समाज में सब कुछ होने के बाद भी भगवद गीता के ज्ञान की कितनी ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से युवा कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड, उनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और जब शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं उनके संपर्क में आया, उनकी किताबें पढ़ी प्रभु जी ने, इनसे प्रभावित होकर प्रभु जी ने अपना जो पूरा जीवन डेडिकेट किया और 2006 में प्रभु जी ने एज ए फुल टाइम मॉन्क इस्कॉन को ज्वाइन किया। तब से आज तक 2006 से लेकर 2021 है दोस्तों, आज तक जो है प्रभु जी जो कंटिन्यूसली सेवा कर रहे हैं, लोगों को भगवद गीता का संदेश का प्रचार कर रहे हैं, गांव में, शहरों में, हर जगह प्रभु जी भगवद गीता का संदेश का प्रचार कर रहे हैं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर भी प्रभु जी, जैसे कि रैनबैक्सी है, मारुति सुजुकी है, इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में भी प्रभु जी जाते हैं, वहाँ पर कॉर्पोरेट लीडर को ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पर वर्कशॉप देते हैं। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय रामभद्र प्रभु जी का कि प्रभु जी अपना समय निकाल कर हम लोगों को भगवद गीता से सिखाने आए। हमारे जीवन हम जो डिस्ट्रैक्शन इज वेरी टिपिकल प्रॉब्लम नाउ इट, उसके बारे में प्रभु जी हमें गाइड करने आए हैं। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है प्रभु जी का, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिन टीम से अगर वो दिखा सके तो ज़्यादा अच्छा होगा।
आपको स्वागत करना चाहेंगे प्रोजी का। जैसे आप मैंने आपको बताया था कि प्रोजी जो है यूथ फोरम, युवाओं के यूथ फोरम के डायरेक्टर हैं। इस्कॉन गुरुग्राम में, लुधियाना में, बरेली में, बिहार में, झारखंड में, इन सारी जगह में प्रोजी युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम सभी लोग को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हम प्रोजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि प्रोजी हमारे बीच में आज समय निकाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोजी आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण। Am I audible? Yes, Prabhu. Thank you, Sandeep Prabhu, for giving me this opportunity to serve all of you here. Thank you. Hare Krishna. So, सब हार्दिक स्वागत करते हैं सब devotees का, new guest और जिन्होंने जो है वो विवेक विद्रा जी का वेबिनार अटेंड किया था, उसके बाद में हमने ये मंत्र ऑफ लाइफ लेक्चर शुरू किए, सीरीज शुरू किए, और हमको पूरा विश्वास है कि आप भक्तों को ये बहुत पसंद आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरी डे। दिस इज योर थर्ड सेशन मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस। सो माय नेम इज रामभद्र दास, आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर फ्रेंड, आई एम अ फिलोसोफर, आई एम अ गाइड। सो आज आप लोगों के साथ मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और आज की शुरुआत करते हैं, थोड़ा पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर उसके बाद में हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आई थिंक यू आर रेडी विद मी। आर यू रेडी विद, आर यू रेडी? यस, नो, नो, यस, आर यू रेडी? यस, या। Let us nirandasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manovrishtam sthapitam yena bhutale svayam rupah kadamayam dadati svapadantikam shri krishna chaitanya prabhu nityananda shri advaitya gadadhara shravasadi gaur bhakta vrinda हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है इंडियन यूथ को देखते हुए साथ में के दे आर इंटरेस्टेड इन टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज एंड टू अप्लाई भगवद गीता प्रिंसिपल इन देयर लाइफ। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि भगवद गीता चार सेशन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमारे सिस्टमेटिकली कोर्सेस रहते हैं और बहुत ही डेप्थ में भगवद गीता पढ़ाया जाता है। आप लोगों को जान के खुशी होगा कि इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में अभी ये भगवद गीता है ये 90 भाषाओं में कन्वर्ट हो चुका है। हरे कृष्णा। सो अराउंड दिस भगवद गीता हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 90 लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑल क्रेडिट्स गोज टू श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। 1967 से पहले कोई ज्यादा भगवद गीता को ज्यादा जानता नहीं था, जानता भी था तो जैसे उस दिन विवेक विद्या जी बता रहे थे, कपड़े में लपेट के, लाल कपड़े में लपेट के ट्रंक में डाल के उस ट्रंक को दूसरे ट्रंक में डाल के रख देते थे और उसी समय बाहर निकलता था जब कोई मर जाता था, और उसको फिर से गीता पढ़ा, उसमें दो श्लोक पढ़े। कौन से गीता पढ़? गीता में क्या पढ़ना है? सेकंड चैप्टर पढ़ना है जी। उसमें क्या है जी? आत्मा के बारे में है जी। तो आत्मा के बारे में पढ़ लो जी। क्या लिखा उसमें? देहिन अस्मिन यथा देह गवारम यौवनम जरा तथा जे हंगर प्राप्ति धीरे सत्तम होय जी। मर गया जी, मर गया, पढ़ लिया जी, होगी उसकी आत्मा को शांति। अब लाल कपड़ा लेके आओ, उसमें बांधो और रख दो लाल ट्रंक के अंदर, और ट्रंक को अगले ट्रंक के अंदर रख लो। अब कब निकलेगा? जब कोई दूसरा मरेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, भगवद गीता आर्ट ऑफ डाइंग नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग है। गीता ये सिखाती है कि जीना कैसे है। भगवद गीता जीना कैसे है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग कुछ बोलते, अच्छा आप कहां जा रहे हो आज जी? बहुत बड़ा वेबिनार हो रहा है, उसके वेबिनार के बाद वेबिनार सेमिनार किए जा रहे हैं ये इस्कॉन वाले। आज हम जा रहे हैं मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन के ऊपर। आज हम फिर से गीता से कुछ लेसन सीखना चाहेंगे। अरे लेसन सीखना जा रहे हैं गीता से? गीता पढ़ते हैं तू अभी बुढ़ा हो गए? जवान लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं, जवान लोग फेसबुक देखते हैं और यूट्यूब देखते हैं। बूढ़ा हो गया तो पढ़ने गीता पढ़ना शुरू कर दिया आपने? My dear friends, the discussion of Bhagavad Gita between Arjuna and Krishna, they both were young. दोनों जवान थे, अर्जुन भी जवान था
और कृष्ण की जवानी थी। हालांकि उनकी उस समय उनकी आयु 125 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यंग लग रहे थे। तो ये बूढ़ों के बीच में डिस्कशन नहीं है, यंग लोगों की डिस्कशन है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप सबको जो है अभी गीता सीखने का मौका मिल रहा है, और बड़ा ही आजकल के प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको जीना है आप सबको लोगों को पता चल रहा है। तो आज का सेशन जो है बहुत ही स्पेशल है। भगवद गीता में भगवान ने एक्चुअली अर्जुन डिस्ट्रैक्ट ही हो गया था, डिस्ट्रैक्शन हो गया था, कहा पढ़ने दो शौक स्वभाव स्वामी तुम धर्म समूढ़ चेसा, मेरे को पता नहीं है मेरे को क्या करना है अभी, कृपण दुर्लभता के कारण मैं अपना धैर्य खो चुका हूं और इस धैर्य से मेरे को पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग आई डोंट नो, मैं भूल चुका हूं, आप मेरे को बताएं कि करना क्या है। यदि कि कृष्ण जो अर्जुन जो है अपनी ड्यूटी से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। तो जो व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, अपने गोल से दूर हो जाता है, उसको ज्ञान चाहिए, उसको ज्ञान की तलवार चाहिए। ज्ञान की तलवार से इस अंधकार को काट दो अर्जुन। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने यह नहीं बोला भगवान से, हे कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, हे परमात्मा, हे विश्वकर्ता, हे जगन्नाथ, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया आपने, लेकिन मेरे को मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को नींद आ रही है, मैं वापस जा रहा हूं सोने के लिए, और युद्ध मेरी तरफ से आप करो, अपना सुदर्शन चक्र निकालो और सारे कौरवों को खत्म कर दो। थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल लेक्चर, ओम तत्सत, ऐसा नहीं बोला। हाँ, अंडरस्टैंड, ये नहीं बोला अर्जुन ने। गीता पढ़ने के बाद, गीता सुनने के बाद अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो आज गीता के सेमिनार में 155,000 लोग नहीं आते, यस और नो, और ये गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं बनता, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड नहीं बनता। विवेक विंद्रा जी उसमें 39 श्लोक कोट नहीं करते। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुल लोग जो गीता पढ़ते हैं और उनकी लाइफ में वो हेल्प करता है। सो अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, इसलिए उसको क्या चाहिए था, ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान की तलवार से। तो मैं आपका समय नहीं लूंगा और शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेमिनार के ऊपर, मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन। तो मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आर यू रेडी? राइट इन कमेंट यस और नो, यस नो नो यस यस नो यस, वंडरफुल गुड। तो आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, और आपको मैं पूछूंगा कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा। बहुत रेलिवेंट वीडियो है ये आपके लिए। ओके, ऑल ऑफ यू आर रेडी? आवाज नहीं आ रहा प्रभु, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या संदीप जी? जी आवाज, जी आवाज आ रहा है जी, पर थोड़ा सा उसमें कुछ हल्का सा डिस्टरबेंस आ रहा है। आप कैसा आ रहे हैं? अभी ठीक है भाजी, पहले से अच्छा है? यस भाजी, पहले से अच्छा है। पक्का? यस भाजी। ओके, सो वन आवाज नहीं आएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है ना? जी भाजी। मुझे अभी वॉइस नहीं आ रहा भाजी। अब आ रहा है? यस भैया, अभी आ रहा है। अच्छा आ रहा है जी। ओके, तो पहले जो सुना वो काम नहीं आया फिर? नहीं भाजी, वो समझ में आया भाजी, पर थोड़ा सा उसमें हल्का सा डिस्टरबेंस था, हल्का सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। वो जानबूझे किया था कि आपको सेमिनार की क्या
सेमिनार को बताया कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है जब कोई चीज सही से नहीं सुनती है सुनाई देती है. ओके एनीवे लेट्स गो विद द वीडियो. ओके यस वीडियो का आवाज आ रहा है. यस वीडियो कृष्णा. कैसा लगा आपको? आप कमेंट में लिखिए कि आपने क्या सीखा. सो मीनिंगफुल. आई हैव लर्न्ड डिस्ट्रैक्शन लीड टू डिस्ट्रक्शन. वाओ वंडरफुल. व्हाट ए स्टेटमेंट. एंड डिस्ट्रैक्शंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. वाह. यस वेरी रिलेटेबल राधिका शर्मा. ओके ध्यान नहीं क्या धन्य नहीं डाटा. समझ नहीं आया क्या? Yes, आगे. Wow, very important video. Reality of the world. Good. Please share you. Great. Okay, share your comment. क्या लगा आपको? दूसरे के घर में आग लगी है और सब सेल्फी ले रहे हैं. Wow. I am not from Nepal, sir. So Nepal का मैंने क्या पूछा? कुछ नहीं है. Material things are dealing to devastation. Okay, future will be क्या? Wars, mobile controlling people. Wow, we control phone and control phone controls us. Yes, we think the phone is instrument, but phone has makes us instruments. Wow, wonderful. Okay, how I'm living nowadays. Okay, our smartphone play a most important role in destruction. Wow. All this is smartphone, but smartphone makes us so ugly. Wow, wonderful. Yes,
ये मैंने जोड़ा है, आपने नहीं लिखा है. ओके या प्लीज प्लेजर सीकिंग फायर लाइफ. ओके अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. लाइफ इज अ फुल ऑफ सोरो. वी शैल डाई वन डे. ओके वाओ बिगेस्ट रीजन ऑफ डिस्ट्रैक्शन द फोन. वी नीड डिजिटल डिटॉक्स. ओके पीपल्स आर ट्रैप्ड इन द फोन. बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके लॉस्ट ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड एंड मिसिंग द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ द लाइफ. Wonderful comment. You're all so intelligent people. Yeah. Kitna acha likh rahe hain aap log. Good. Very good audience. Very good audience. Yeah. We forget how to live happy life. Yes. Aap logon ko seminar ki zarurat hi nahi hai. Direct Gita padhna shuru kar do. Chant Hare Krishna. Itna acha likh rahe hain aap log to. Network without humanity. Network humans are becoming robot. It's us who are lost, not the destruction. Okay. So, bahut bahut dhanyawad. अभी चैट बंद कर दीजिए तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा. ओके थैंक यू सो मच. नाउ यू स्टॉप राइटिंग प्लीज प्लीज स्टॉप राइटिंग. सो ही वांटेड टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विद ऑल ऑफ यू. हरे कृष्णा. यस यस बहुत अच्छा कमेंट दिया आप लोगों ने. यू आर वेरी गुड ऑडियंस. ओके सो माई नेम इज बाय द वे रामभद्र दास. आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम योर गाइड. ओके सो बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने कि फोन इज अ बिग डिस्ट्रक्शन और इसे लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, बट एक चीज ध्यान रखिए है ना. ऑल्दो वी थिंक दैट द फोन मेक अस सो स्मार्ट, स्मार्टफोन मेक अस सो स्मार्ट, बट इनसाइड द स्मार्टफोन मेक अस सो अगली. यू नो वी डिस्ट्रैक्टेड विद सो मेनी थिंग्स. यस ओके तो फोन इज द वन थिंग. ऑफ कोर्स उस फोन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी. तो लेट्स मूव आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं. नेक्स्ट सी सो व्हाट इज एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शंस. ये होता क्या है. तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने लिखा है इट थिंग्स दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग. कोई ऐसी चीज है कि जो दूसरी ऑब्जेक्ट चीज में हमको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए रोकती है. वो पावर है जो हमको कोई काम करते हैं वो हमको रोक लेता है बीच में. और दूसरा क्या टू कॉज टू हैव ए डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन टू समथिंग. ऐसा कोई कॉज है जिसके हम ज्यादा अटेंशन नहीं दे सकते किसी चीज को, यानी कि बीच में हमको कोई रोक देता है. हम करना चाहते हैं लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हम वो गोल को पूरा नहीं कर सकते. और वो बोलते हैं एक्सट्रीम एजिटेशन ऑफ द माइंड. मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत एक्सट्रीमली एजिटेट हो जाता है, बहुत घुमाता है हमको, है ना. यस तो ये उन्होंने डायरेक्शन दिया है व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन. तो एक एनालॉजी दिया गया है कैसे काम करता है. आयरन बॉर्स गेट्स डिस्ट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ. आप लोगों ने देखा होगा, आपने आयरन बॉल को भी देखा होगा, आपने मैग्नेट को भी देखा होगा. अगर आयरन बॉल को अगर सीधा आपको भेजना है, दोनों साइड्स अगर मैग्नेट हैं, तो बॉल स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकती. क्यों? क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, उस बॉल को अपनी तरफ खींच लेता है. Somebody is pulling, somebody is attracting. तो जिस प्रकार से वो बॉल आयरन बॉल खींचा हुआ चला जाता है मैग्नेट की तरफ, उसी तरह से हम अपने गोल को कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम कुछ स्टडी करना चाहते हैं, हम किसी पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे हम भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुछ चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमको अपनी तरफ खींचती हैं. और एडिक्शंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन लीड टू एंगर डिस्ट्रैक्शंस. तो इसमें क्या होता है कि जब हम वो काम नहीं कर पाते, हमको पता है ये काम करना है, ये चीज हमको खींच के लेके चले गई. और उसके बाद एग्जाम्पल तो बहुत है मेरे पास देने के लिए, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा और आगे चल के आपको अच्छी अच्छी एग्जाम्पल आप खुद ही देंगे. डिस्ट्रैक्शन एंगर, उसके बाद बहुत गुस्सा भी आता है कि ये क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना अच्छा प्लान किया था, हुआ क्यों नहीं, ये है ना, इसकी वजह से ऐसा हो गया, लाइक दैट. तो स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट फ्लाइंग काइट. माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम डिस्ट्रैक्शन को या हमको बचाना भी चाहता है, लेकिन हम उसकी कभी बात नहीं मानते हैं. एक छोटा सा बच्चा था जो कि पतंग चढ़ा रहा था, एक बच्चा था पतंग चढ़ा रहा था, पतंग काट रहा था, और
उसके सामने क्या था, छत पे था तो छत पे एक बिल्कुल छत का बॉर्डर आ गया। वो पतंग चढ़ा रहा है, पीछे नीचे एक व्यक्ति ने देखा उसको, अरे ये तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत नीचे गिरेगा, तो मर सकता है। वो व्यक्ति भागता हुआ गया उसके पास में, उसकी पतंग की डोर को तोड़ के फेंक दिया पतंग को, और बच्चे के जोर से थप्पड़ मारा जोर से, पिफ पुफ कहीं का। उस बच्चे को बड़ा गुस्सा आ गया, बोला आपने मेरे को क्यों रोका, अरे तुम मर रहा था, बोला मर रहा था तो मरने देता तू मेरे को, अब तो मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर FRI करूंगा। किसने बोला तुमको रोकने के लिए, किसने बोला आपको ये करने के लिए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम एडिक्शन होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, डिस्ट्रक्ट एडिक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, और हमको रोकता है किसी व्यक्ति को तो बहुत गुस्सा भी आता है ना। इस प्रकार से कभी कभी ये सेमिनार्स कभी कभी अच्छे लगते हैं, कभी कभी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, क्योंकि कभी हम जब हमारी गलतियों को हमको पता चलता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन का क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, और ये आपसे पूछ के देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमको अपना गोल नहीं पता। जिस व्यक्ति को पता है मेरा ये गोल ये है, उसको पता है मेरे को दिल्ली से लेके मेरे को बॉम्बे तक चलना है और इतने घंटे में पहुंचना है, वो रास्ते में ज्यादा आराम नहीं करेगा, करेगा थोड़ा सा आराम करेगा। उसको गोल पता है कि मेरे को यहां तक जाना है, अगर अगर मैं बीच में ये कार्य करूंगा तो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका मतलब है कि हमको पता नहीं गोल कहां तक, मेरे को क्या कार्य करना है, मेरे को किस प्रकार कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, लाइक दैट। तो इस प्रकार से बीच में अगर गोल क्लियर नहीं है तो फिर क्या हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, और कभी कभी क्या है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, जिस ऑब्जेक्ट को हमको प्राप्त करना है उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है, इसलिए दूसरा हम क्या कर देते हैं, उसमें टेंशन नहीं लगा, क्योंकि दूसरा टेंशन से हमारा कहीं अट्रैक्शन कहीं हो रहा जाता है। ग्रेट इंटेंसिटी अट्रैक्टिवनेस ऑफ समथिंग अदर देन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा डेफिनेशन का आपको बहुत अच्छा लगेगा बाद में। तो ये क्या है कि हम जिस गोल को देखते हैं उसके ऊपर कुछ और आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है ना। देखिए महाभारत में, रामायण में ऐसी हजारों स्टोरीज हैं, यहां क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए मतलब, और डिस्ट्रैक्शन से बहुत ही बड़ा क्या करना पड़ा, बहुत ही बड़ा मूल्य भरना पड़ा। सीता माता ने देखा, किसको देखा, हिरण को देखा, कौन सा हिरण, गोल्डन डियर को देखा, और माय डियर फ्रेंड्स किसको देखा, गोल्डन डियर को देखा, कोई गोल्डन डियर है नहीं है संसार के अंदर में, और उस गोल्डन डियर के चक्कर में क्या किया आप सब जानते हैं, आप जानते हैं क्या हुआ उस समय, और सीता माता को भगवान से दूर जाना पड़ा उस डियर के कारण। ये शिक्षा है, ऐसा नहीं हुआ ऐसे है, लेकिन हमको शिक्षा है ये कि अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा भारी, अगर आप गुड़गांव में चलोगे, अब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आप लिटिल थोड़े से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए कि मेरे को तो आओ कम से कम 2-2.5 किलोमीटर आगे जाके यू टर्न लेके आना पड़ेगा, आपका यू टर्न बहुत लंबा हो जाएगा जस्ट बिकॉज आप थोड़ा सा केयरलेस हो गए। आपको राइट मोड़ना था, अगला कट आएगा 2-3 किलोमीटर के बाद, यू अंडरस्टैंड ना। तो सिमिलरली दिस इज डिस्ट्रैक्ट, थोड़ा मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार से ये तो डेली हमारे साथ होता रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रैक्शन इज अ बहुत बड़ा आज के जीवन में जो है वो बहुत बहुत ही बड़ी समस्या है। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मैंने शुरू में बताया आपको, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं है क्या सही है क्या गलत है, गलत को सही मानते हैं और सही को गलत मान लेते हैं और चले जाते हैं। यही हमको लगता है कि ये हिरण अच्छा है, हर एक चमकती चीज सोना नहीं होती है, ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड,
इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमको सबको भगवद्गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है, जिसमें भगवान ने बोला गीता में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, हे अर्जुन मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, ये बहुत पवित्र ज्ञान है, बहुत प्योर है, ये इसको ले लो। इसलिए तो करना क्या है, हमारे जीवन में कम से कम हमको हर दिन एक दिन प्रैक्टिकली क्या करना है, एक श्लोक पढ़ना है जीवन, उसको अगर पढ़ लेंगे अपने जीवन में उतारेंगे, आप देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है, कितना आनंदमय हो जाता है, और भगवान की आपको इतनी कृपा मिले, क्योंकि ज्ञान से आपकी थॉट्स क्लियर हो गया, आपका माइंड क्लियर हो गया, हाँ आपको डिस्टिंक्शन पावर बढ़ गया, आपका डिस्टिंक्शन पावर बढ़ जाता है, और ज्ञान से आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी आता है। आप रात को कहीं जा रहे हो और एक ऐसी ऐसी जगह में जा रहे हो जहां बहुत ही खतरा है, लेकिन लेकिन आपके साथ में जो आपका फ्रेंड है वो ब्लैक बेल्ट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, नहीं यार ब्लैक बेल्ट है, 8-10 लोग ऐसे मार दे, तो ज्ञान से कॉन्फिडेंस आता है, ज्ञान से डिस्टिंक्शन भी आता है। तो इस प्रकार से अगर आप गीता का ज्ञान पढ़ोगे इसको, तो आप डिस्ट्रैक्शन से हम बच सकते हैं, बहुत बढ़िया ज्ञान है, सीधा ज्ञान है। यस, आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा आप लोगों की सावधानी है, डिस्क्लेमर है। तो गोल करना बहुत जरूरी है, जिस व्यक्ति का जीवन के अंदर गोल, कोई गोल कोई कोई फर्क नहीं पैदा जी, ओ की फर्क पैदा जी, होए ना होए, तो आपके लिए सेमिनार नहीं है सर। If you do not have any goal, then there's no point of discussing on a distraction. कोई मतलब ही नहीं है। Again, this session is not only for those who goal in life. This is those who wanted to attain something for themselves and the family, society and nation. जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सेमिनार है ना? जिनके लिए डिस्ट्रैक्शन पे मैं नहीं रखता हूँ, क्या फायदा? Understand ना? भैंस के आगे बजाओ भीम और भैंस करे पकुराई, है ना? लेकिन मेरे को पक्का पता कि आप सब जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सुनने के लिए आए हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, आप गोल को बनाने के लिए आए हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सेमिनार बहुत बढ़िया होगा। यस, ऐसी भक्ति विदान स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी जब 1967 में गए अमेरिका में, वहां हिप्पीज जैसे लोग थे, डिस्ट्रैक्शन का कोई नाम का व्यक्ति नहीं, 100% डिस्ट्रैक्शन, 100% डिस्ट्रैक्टेड लोग, कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट यू नो ड्रिंकिंग LSD, है ना, एंड देन शराब पीते थे, वो बोलते स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर, और इतने पढ़े लिखे लोग थे लेकिन सड़कों पे घूमते रहते थे, गांजा पी के, शराब पी के घूमते रहते थे, और ऐसे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान दिया प्रभुपाद जी ने, श्री प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को गीता का ज्ञान दिया, और आप जान सकते हो, है ना, वो इतना बड़ा हिप्पीज को हैप्पी बना के इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस खड़ा कर दिया, जिसमें आज पूरे विश्व में 700 से ज्यादा मंदिर हैं, और इंडिया के अंदर 350 सेंटर्स प्लस टेंपल्स हैं, इंक्लूडिंग टेंपल्स। किसके ऊपर? ये भगवद गीता के ऊपर ही उन्होंने ज्ञान देकर सबको समझाया। शोपाच, कुत्ता खाने वाले लोग, आप देखिए जो कुत्ता खाते थे, आप लहसुन प्याज नहीं खाते, जो शराब को पानी की तरह पीते थे वो आज चाय भी नहीं पीते। अब मान सकते हो इस बात को, कितने डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ये डिस्ट्रैक्शन था, ये लाइफ का डिस्ट्रैक्शन था। एक्चुअली टॉपिक का नाम होना चाहिए मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन, नॉट मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन बट मैनेजिंग, नॉट मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन बट मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन। अरे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत पहले होता है, डिस्ट्रक्शन से पहले डिस्ट्रैक्शन आता है। अब तो पूरा गाड़ी खत्म हो चुका है। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को भी क्या कर दिया, वापस लेके आ गया वैदिक संस्कृति को देके। वो जो गांजा पीने वाले लोग, वो जो गाय का मांस खाने वाले लोग थे, वो वृंदावन में आके झाड़ू लगा रहे हैं, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। आप जाइए 24 आवर कीर्तन होता है वहां, लोग गाते हैं,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जिक 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 वो गिटार छोड़ के आ गए बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़ के आ गए और वृंदावन में क्या कर रहे हैं झाड़ू लगा रहे हैं राधे राधे कर रहे हैं बोलो अभी बोलो राधे राधे हरे कृष्णा बोलिए अभी बोलिए यस और नो और 24 घंटे कीर्तन होता है 24 घंटे कीर्तन 24 आवर कीर्तन करते थे वो भगवान का नाम लेते थे यू अंडरस्टैंड वो लोग जो कृष्ण ही बोल सकते थे स्पेशली रशियन उनको बोलोगे कृष्ण बोलते कृष्ण 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 हरि कृष्ण 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 हरि 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 रामो ऐसे बोलते थे दे कांट प्रोनाउंस ऑल्सो वेरी प्रॉपरली यू अंडरस्टैंड वो लोग शुद्ध हो गए हरि कृष्ण 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 हरि हरि नहीं बोल सकते थे और इंडिया के बाद सेकंड नंबर कंट्री है कौन सी रशिया जहां सबसे ज्यादा फॉलोअर है और आपको जान के अभी मैं जो आपको सुनाने बताने जा रहा हूं आप शॉक्ड हो जाएंगे कि चाइनीज लोग भी हरे कृष्णा करते हैं वो चाइनीज लोग भी चाइना में भी जाके हरे कृष्ण महामंत्र लोग करते हैं चाइनीज मतलब जानते हो आप जानते हैं आप कौन भूल सकता है अभी पूरा विश्व जानता है कौन ही जानता चाइनीज वहां के लोग भी चाय नहीं पीते हैं और उसमें पैसे खाते हैं और वहां जो चैंट हरे कृष्ण महामंत्र आपको वीडियो भेजेंगे बाद में द चाइनीज आर चैंटिंग हरे कृष्णा आपको पता है चैंट क्या जानते हैं जो भी हिला बस हिलना चाहिए उसको खा जाते हैं बस हिलना चाहिए उसको थोड़ा फड़फड़ाना चाहिए उसको जो खुद हिलेगा ऐसे मोबाइल खुद नहीं हिलेगा तो उसको नहीं खाएंगे जो हिला हमारे भक्त हैं थोड़ा चाइना में जाते हैं अपना बिजनेस बनाने जाते हैं तो बोले कि मैं देखता हूँ घर में कोई भी कुत्ता होता है कुत्ता जो है वो बाहर रख देता है कुत्ता बाहर रख देकर मैं बाहर चला गया अगर मैं गेट से बाहर चला गया तो क्या खा जाएंगे लोग हमको ऐसे ऐसे लोग हैं हाँ कीड़ा मकोड़े कॉकरोच ऐसे छान के सब मुरमरा बना के पुट सम चिली पाउडर एंड कच 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 एंड डिलीट एवरीथिंग जानते हैं आप इसको ऐसे लोग क्या करते हैं भगवान का नाम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरा विश्व प्रभुपाद कृष्णा भावना बना दिया ये तो हमारे घर की खेती है इसलिए हम थोड़ा दूर दूर रहते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है भागवत में श्री भागवत में ऐसा लिखा गया है कि जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है वो बहुत पवित्र है बहुत पवित्र है इवन देवता लोग भी इस पृथ्वी में आके भारत भूमि में आके जन्म लेना चाहते हैं और हरे कृष्णा करना चाहते हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं भगवान के धाम जाना चाहते हैं मनुष्य जीवन मिला है क्या करने के लिए ये मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए ह्यूमन लाइफ इज मीन फॉर सेल्फ रियलाइजेशन नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं मिला है ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिला है आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए मिला है ये शरीर और इंडिया में ऐसी लैंड है जहां आप कर सकते हो कितने मूवीज आगे इसको तोड़ने के लिए सनातन धर्म को कितने मैगजीन्स आगे कितने नाटक आगे फिर भी कुंभ मेले में करोड़ों लोग जाते हैं बोलो हरे कृष्ण फिर भी कुंभ मेलों में करोड़ों लोग जाते हैं स्नान करने के लिए कि मेरे को स्नान करने जाना है ये भारत की संस्कृति है ये इसको क्यों छोड़ेगा तो आप सब लोग बहुत ही सिंसियर हैं इसको पकड़िए और ये 4 दिन का सफर नहीं है हमारे साथ आपके साथ ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है हमारे पास आपको देने के लिए बहुत ज्ञान का भंडार है भगवत गीता 700 श्लोक श्रीमद भागवतम 18,000 श्लोक महाभारत 1,00,000 श्लोक 4 वेद 108 उपनिषद अफकोर्स अभी सारे नहीं है कितना ज्ञान है देखिए यू अंडरस्टैंड इतना डेप्थ है हर चीज के अंदर में और यहां जो भी लोग मिले सारे स्कॉलर मिलेंगे आप बहुत जिन्होंने डेप्थ
गीता पढ़ा हुआ है, 10-10, 15-15 साल से पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करके उसको बना रखा है, अपने जीवन को बना रखा। तो आप इसे डिस्ट्रैक्ट मत होइए लाइफ से, गीता को अपने जीवन में अप्लाई दीजिए, आपका जीवन गार्डन गार्डन हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। आर यू विद मी? आर यू विद मी? यस और नो? योर नो? यस यस नो? आप मेरे साथ में है? आर यू लर्निंग समथिंग? यस यस। इफ यू आर लर्निंग सम से लाइक दिस, हरि बोल हरि बोल, से लाइक दिस, डू लाइक दिस, हरि बोल हरि बोल। यस यस, वंडरफुल वंडरफुल ऑडियंस। यस यस, गुड गुड गुड, ओके नाइस। सो लेट्स मूव फास्ट। मेरे को सुनने में आया था, मेरे को सुनने में आया था कि प्रभु जी 1.5 घंटे खत्म कर दीजिए, उसके बाद लोग चले जाते, आते नहीं, उसके बाद सब छोड़ने शुरू कर देंगे। ठीक है, आप छोड़ेंगे तो नहीं? आज नहीं छोड़ेंगे। वेरी गुड, इतने हाथ खड़े हो गए, क्वेश्चंस भी यहाँ बहुत ज्यादा है ना, इसलिए 1 घंटे में तो सब नहीं दे पाएंगे, पर हमारे अगले सेशन में जरूर अटेंड करना। आप बहुत सारे सेशन है, बहुत कुछ आप लोगों के लिए देने के लिए है, और आप जो क्वेश्चन पूछें, ऑफकोर्स थोड़ा प्रश्न जो है ढंग का होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। एक बार मैं एक लेक्चर दे रहा था, एक माता जी मेरे को प्रश्न पूछी, स्वामी जी एक प्रश्न है, मतलब क्या प्रश्न है? स्वामी जी वो क्या है ना, चावल खाती हूँ ना गले में अटक जाता है, तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला माता जी क्या प्रश्न पूछ दिया, क्या आंसर दूं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला, फिर से बोला मत, मेरे को कोई गलती लग गया ना, आपको भी गलती लग रहा होगा। स्वामी जी मतलब मैं बताओ, स्वामी जी मैं चावल खाती हूँ गले में अटक जाता है तो क्या करना चाहिए? मैंने बोला माता ग्लास लो, दाल भरो, उसके ऊपर दाल पीना चाहिए। एक मग्गा भर के दाल पीना चाहिए। यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग द क्वेश्चन भी रेलिवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली इंडिया में आजकल यही लोग प्रश्न पूछते हैं ना, गुरु चाहते हैं कि जो हमारे सर पे हाथ रखे हमको लंदन भेज दे, हमको अमेरिका भेज दे, हमारी बिटिया का शादी करवा दे। महाराज बिटिया का शादी नहीं हो रहा है महाराज, थोड़ा शादी करवा दीजिए महाराज, बेटा एकदम लफंडर हो गया महाराज, सारा दिन हम यूट्यूब पे कुछ 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 करता रहता है। आप डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये तो डिस्ट्रक्शन हो चुका है इसका पूरा दिमाग, क्या डिस्ट्रक्शन। तो आप कुछ सोल्यूशन दीजिए हमारे, आप इसका शादी करवा दीजिए महाराज। ये तो है भारत के लोग जो चाहते हैं, गुरु इसके लिए नहीं है, गुरु पेट ठीक करने के लिए नहीं है, गुरु डायबिटीज ठीक करने के लिए नहीं है, गुरु का कार्य क्या है, गुरु का, इसके ऊपर पूरा अलग सेशन होगा बताएंगे, है ना। अभी हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। गुरु का काम ये नहीं, गुरु का काम ये है आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना, आपको जन्म मृत्यु से बचाना और आपको भगवान से मिलाना। यस और नो? आपको भगवान से मिलाना, ये गुरु का काम है। डॉक्टर, अरे डायबिटीज ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ, पेट ठीक है डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर का काम नहीं है ये डॉक्टर का काम है, सॉरी। गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देता है आपको। ओके, सो यस। तो ये ज्ञान उन्हीं के लिए था जिसको गोल ऑफ लाइफ जाना है, तो स्टेट इन द गोल ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज दैट गोल? शेड्यूल टू मेक हैप, द शेड्यूल वी मेक कीप अवर गोल इन माइंड। तो यो शेड्यूल योर स्टेट लाइन, स्टेट लाइन चल रहा है आपको, मैग्नेट सीधा खींचेगा, मैग्नेट आपको खींचेगा, लेकिन आयरन बोर्ड को सीधा लगाना, वो सीधा क्या है, वो आपका शेड्यूल, डेली अपना शेड्यूल बनाइए अपनी लाइफ में। याद रखिए, इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। वाओ, वंडरफुल स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया। क्या बोला? इफ यू फेल टू प्लान यू ऑलरेडी हैव प्लान फॉर फेल, यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं किया, अपने फेल हो गए प्लान करने में, तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। You understand? कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ आपको प्लान करके चलना चाहिए, तभी ये डिस्ट्रैक्शन आप खत्म कर पाओगे। If you fail to plan, then you plan to fail. Good. बहुत अच्छा। तो क्या करना है? ये मैंने अपना शेड्यूल आपको डाल दिया था आपको, है ना? So there are many software. You can go to Google's calendars. There's time tree calendar where you can make your schedule. You make your schedule every day. You can make your schedule. Not it's a monthly schedule. You can keep your monthly schedule. Understand? तो ये मैंने पिछले महीने का शेड्यूल डाल दिया था आपको, इसी महीने में डाल सकता हूँ। तो सब कैलेंडर पूरा फुलफिल कर दीजिए अपना, है ना, जस्ट यू क्या करना है, कितने बजे करना है, कौन सी मीटिंग है आपकी। तो पुट योर एवरीथिंग इन शेड्यूल, जैसे मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ आपको, है ना, एक कैलेंडर, इस कैलेंडर में अपना मीटिंग डाल सकते हो आप, और दिन में क्या करना है अपने चेकलिस्ट बना सकते हैं,
कि क्या क्या करना है मेरे को, आज क्या करना है, कौन से टाइम पे करना है। शेड्यूल में डालने के बाद चेकलिस्ट बना ली थी कि इस समय मेरे को ये काम करना है, इस समय मेरे को ये काम करना है, यू नो, और कुछ खाली छोड़ दीजिए जिसे कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसा टाइम छोड़ दीजिए जिसे कुछ नहीं करना है। यू अंडरस्टैंड, अनप्लान्ड शुड बी ऑल्सो प्लान्ड। कभी बोलते हम तो शेड्यूल तो बनाते हैं और पता नहीं उल्टा पुल्टा हो जाता है। अरे उल्टा पुल्टा हो जाता है जो कुछ कुछ ऐसा ऐसा छोड़ दीजिए बीच में, उल्टा पुल्टा होगा उसमें एडजस्ट कर लीजिए, जैसा रिलैक्स कीजिए आराम से। यू अंडरस्टैंड, हम तो बनाते हैं, हम शेड्यूल पूरा नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अगर आपने कल शेड्यूल बनाया, अगर आपने 25% भी कर लिया, यू आर सक्सेसफुल, यू आर सक्सेसफुल। एक दिन में व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को, टीचर को अपना डेली का शेड्यूल बनना चाहिए। इस समय क्या करोगे आप, इस समय क्या करोगे आप। और कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, एक अगर टाइम रखिए, नहीं है आज नहीं हुआ तो कल कीजिए, अच्छा कल भी नहीं हुआ कल नहीं तो परसों कीजिए, अच्छा परसों भी नहीं हुआ आपको इसको एक महीने में करना था तो संडे आपके पास खाली है, संडे को कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे लगाइए इसको। तो क्या करना पड़ेगा सर, संडे में तो फिर हम रेस्ट करते हैं। आप जानते हैं विवेक मित्तल क्या बोल रहे थे, इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैं 72 घंटे सोया नहीं और सिर्फ नारियल जूस पीता था, नारियल जूस पीकर रहता था। अगर आप कुछ अचीव करना है तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग किए हुए, बिना कुछ शेड्यूल बनाए हुए, बिना शरणागति किए हुए हम आगे नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि आज ही हमें सक्सेस मिल जाए और बिना मेहनत किए सक्सेस मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं हमारी लॉटरी लग जाए, स्वामी जी लॉटरी लग जाए हमारी, हम आज ही लॉटरी लग हम लंदन चले जाएं। मेहनत करना पड़ता है जीवन के अंदर, यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड। जितने लोग अभी सक्सेसफुल हुए हैं, यू नो, हम बोलते हैं ना ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है। एक्सपीरियंस मतलब क्या है, बहुत जूता खाया है। क्या बोला, क्या बोला, बहुत जूता खाया, बहुत पिटाया हो। प्रभु जी फेल ही होना है ना, जल्दी जल्दी फेल हो जाइए, जल्दी जल्दी फेल हो जाओ ताकि आपको एक्सपीरियंस में आ जाए। आज ही शुरू करो कार्य जो कार्य करना, कल का वेट मत करो। आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी हो जाएगी बहुरी करेगा कब, पल में प्रलय हो जाएगी बहुरी करेगा कब, आज ही शुरू करने का। तो आज ही आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, और थोड़ा स्पेस रखिए, अपना स्पेस रखिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज के लिए और फोन के लिए रखिए समय, क्या दिक्कत है, फोन के लिए भी समय रखो अपना। अंडरस्टैंड, ओके, बहुत कुछ बोलने के लिए है और आगे चलते हैं। तो चेकलिस्ट बनाइए अपने जीवन का, चेकलिस्ट बना दीजिए, उसमें डाल दीजिए क्या करना है आपको, यू नो, लिस्ट द वेरियस स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन लाइफ। आपको एक समय दूंगा, अपना अपना जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ के अंदर में, लिखिए फटाक से, आपका समय शुरू होता है आपसे। प्लीज गो हेड फास्ट, we have very less time. Yes, social media, okay, write complete, mobile, Instagram, lots of idea, yeah, lots of idea. Love is also distraction. Love distraction nahi hota, lust distraction hota, my dear friend. Love kabhi distraction nahi hota, lust distraction hota hai. Ye pura topic hai love versus lust, kabhi baad mein charcha karenge. Okay, overthinking, clash, negative thoughts, lack of goal, missing phone, lazy television, WhatsApp, oh wow, YouTube, Instagram, overthinking, family fight, stress, laziness, YouTube, these are distractions attracting toward opposite gender. Yes, woman is attracted by the man and man is attracted by the, you know, woman. Understand? Yes, okay. Unlimited desire, addictions, mind. ओके जय, बहुत इंटेलिजेंट है आप तो सारे ऐसा लग रहा है मेरे को सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। अरे यस, 3 दिन में सिद्धि हो गया, एक 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 सेमिनार बचा है आपका, ठीक है, ओके। टू समन नेगेटिव थिंग, सोशल मीडिया, ट्राइंग टू गेट अट्रैक्टेड, अनवांटेड फ्रेंड्स, अनवांटेड फ्रेंड्स, माय गॉड, पहली बार सुना। यस, ओवर पावर ऑफ थॉट्स, फाइट विद द फैमिली, बोलोगा अरे भैया काम लड़ा करो, इतना क्यों लड़ते हो, अच्छा कंफ्यूजन। यस, कभी कभी ऐसा होता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, अभी आप चैट में लिखना बंद कर दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है ना।
हमको लगता है कि बहुत मजा आएगा। मेरे पीछे बोलिए, पीछे मत बोलिए, आप सुनते रहिए, म्यूट करके बोलिए। पापा पापा कहते थे, बोलिए बोलिए, पापा पापा कहते थे, बोल नहीं रहे आप लोग। पापा कोई बात नहीं है, शर्माइए मत। पापा पापा कहते थे बड़ा खुश रहते थे, पापा पापा कहलाया, पापा पापा कहलाया बड़ा दुख पाया। ओके, तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपको पापा नहीं बनने का, मतलब यू टू प्लान वेरी नाइसली, यू टू प्लान नाइसली लाइफ, लाइफ इज वेरी प्रीशियस, लाइफ इज वेरी प्रीशियस। ओके, कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको? आर यू एंथुजियास्टिक? आर यू लर्निंग समथिंग? आर यू विद मी? आर यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाई योर थॉट्स? से हरी बोल, हरी बोल। ओके, सो हरी बोल, हरी बोल। ओ जय, वंडरफुल, यस यस। ओके, बाय द वे, माय नेम इज रामभद्र दास, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर सर्वेंट, आई एम अ टीचर ऑफ भगवद गीता, ट्राइंग टू सर्व यू ऑल। ओके, थैंक यू, लेट्स, ओके, वंडरफुल, ठीक है। ओके, चैट बॉक्स बंद, अभी आगे चलते हैं। या तो बहुत जो भी आपने लिखा है इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको ये डिस्ट्रैक्शन का लिस्ट भेज देंगे, वेरियस टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपने खुद बता ही दिया है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपने लिखा है, मैंने तो बहुत कम लिखा, बहुत ज्यादा बताया, आप देख सकते हो ना। तो ये इसको डिस्ट्रैक्शंस को भी आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हो अगर आप उसको सही ढंग से यूज करो। फोन, स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो एक बात करते हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ही रखिए, ये आपको इंस्ट्रूमेंट ना बना, ये आपको यूज ना करे। ये आपको यूज करने का मतलब क्या है कि ये आपका फालतू टाइम ना खाए। अरे इसको बनाया था फोन को टाइम बचाने के लिए, ना कि आपका टाइम खाने के लिए। तो क्यों खा रहा है? क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है, हमारी ये इंद्रिय वश में नहीं है, वो हमको बहा के ले जाती है, हमको पता चलता नहीं है कितना समय हो गया, क्या हो गया। एक बार व्हाट्सएप पे घुसे, एक बार यूट्यूब पे घुसे, दो घंटे के बाहर ही बाहर आए। तो ये एक छोटा सा वीडियो भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए आप। क्या आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं? क्या आपको पता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका आना जाना कहाँ है, किसके साथ घूमते फिरते हैं? अगर आप इन सब से वाकिफ नहीं हैं, तो जरा सावधान हो जाइए। बहुत मुमकिन है कि आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हों। एक ऐसा वाकया हुआ है गुड़गांव में, नशे की पार्टी में 100 स्कूली बच्चे पकड़े गए हैं। पुलिस हैरान, माता पिता परेशान है। अपने बच्चों को बचाइए, बुरी सोबत में तो नहीं वो, वो कहां आ जा रहे हैं? टीनेजर्स पर रखिए नजर, बिगड़ तो नहीं रहे लाडले। आप अपने टीवी स्क्रीन पर पिटाई की कुछ धुंधली तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें समाज के बिगड़ते चेहरे की हैं, और इसलिए ये जरूरी भी है कि ये तस्वीरें धुंधली ही रहें। माता पिता सरेआम अपने बच्चों को ही पीट रहे हैं। गुड़गांव में जो हुआ वो हैरान करने वाला था, इतना हैरान कि पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो गया। अपने मुंह छिपाते ये कोई मुजरिम नहीं है, ये स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम हैं। फिर सवाल ये कि इन स्कूली बच्चों को यूं मुंह छिपाने की भला क्या जरूरत थी? गुड़गांव पुलिस ने इन सबको यहाँ के एक बार में शराब पार्टी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ठीक है, पूरा वीडियो है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। टाइम का थोड़ा कमी है, और जैसे 9 बज गया आप निकलना शुरू कर दोगे, मेरे पास और भी कुछ है 5 मिनट में। और याद रखिए, आपको बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर भी लेने वाला हूँ। ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, याद रखिए, लिखिए इस कमेंट में, लिखिए दिस इज नॉट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम हियर। यहाँ समय दोगे आपका समय बचेगा, बाहर आपका समय बचाने के लिए सेमिनार किया जा रहा है। यस नो नो यस, इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू आर लर्निंग समथिंग, ग्रो योरसेल्फ, लर्न फ्रॉम द लर्न पीपल। सुनो, जितना ज्यादा सुनना है सुन चुकिए, इसलिए भगवान ने एक जीवा दिया, दो कान दिए, एक टाइम बोलो, दो टाइम सुनो, डबल सुनो, डबल सुनो, सुनो,
सुनना जितना है, जितना आप सुनोगे उतना ही आपका और इंटेलिजेंस बढ़ेगा, बुद्धि शार्प होगा, ज्ञान बढ़ेगा और अंधकार से लड़ पाओगे आप। हमारे हृदय में दो कुत्ते हैं, एक बुरा कुत्ता है, एक अच्छा कुत्ता है, एक ज्ञान रूपी कुत्ता है, एक शैतान रूपी कुत्ता है। याद रखिए, एक ज्ञान रूपी कुत्ता है, एक शैतान रूपी कुत्ता है। शैतान का मैंने आपको दिखाया वीडियो कौन सा शैतान रूपी कुत्ता है। ज्ञान को बढ़ाते जाइए, जिस कुत्ते को आप खिलाओ खिलाओगे वो एक्टिव होता जाएगा, वो जिसको नहीं खिलाओगे वो वीक होता जाएगा, अभी एक्टिव होता जाएगा, थोड़ा हाथ आगे कीजिए, एक्टिव होता जाएगा और वो वीक होता जाएगा, वीक होता जाएगा। आप क्या चाहते हैं, कौन सा कुत्ता बड़े आपका? ज्ञान रूपी कुत्ता, उसे सुनना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा। और जो शैतान रूपी कुत्ता है उसे अगर नहीं खिलाओगे धीरे धीरे क्या करेगा, पहले बहुत भौंकेगा जोर से लेकिन कुछ खाने को नहीं दोगे, बाद में खुद ही धीरे 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 वो मर जाएगा। वो कहने का मतलब दोस्तों, हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, एक आसुरी शक्ति है, एक देवी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? एक आसुरी शक्ति है, एक देवी शक्ति है। आसुरी शक्ति को खत्म कीजिए और देवी शक्ति को बढ़ाइए, और देवी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको सुनना होगा, गीता का ज्ञान लेना होगा। जितना सुनेंगे, जितना गीता पढ़ेंगे उतना ही आगे। तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम वेस्ट नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति अभी यहां से निकल गया, मैं अभी लेक्चर बंद कर दूंगा, अभी बंद कर दूंगा, अगर आपको लगता है कि वो टाइम वेस्टेज है। वी आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम। वी आर, आपको मैंने शेड्यूल दिखाया अपना, वी आर सो बिजी पीपल। संदीप जी बता रहे थे, हम साधु, हमारे पास कुछ है नहीं है। एक महीने कम से कम 200,000 लोगों को हमने होम डिलीवरी प्रसाद खिलाया बिठा के, अवार्ड ऐसे थोड़ा मिल गया, काम करके मिलता है, फालतू कुछ नहीं मिलता है, बता रहा था। वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। गिनीज बुक में रिकॉर्ड निकला अभी आज, दिया विवेक विद्यालय हमारा मीटिंग चल रहा था, तो गिनीज बुक का रिकॉर्ड जो बनाया था आज, मैं उसका मीटिंग था आज, तो उसमें सारे हमारे इस्कॉन के लीडर्स आए थे। दे आर लुकिंग सो मच ब्लेसिंग्स, इट्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अंडरस्टैंड ना। सो आई एम श्योर दैट यू आर लर्निंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो कीप ऑन अटेंडिंग दिस सेमिनार्स। जितना सुनोगे उतना अच्छा है, बोलना कम है सुनना ज्यादा है, बोलना कम है सुनना ज्यादा है। एक लड़का मेरे को बोला, प्रभु जी, स्वामी जी, मेरे को भी साधु बनना है। बोले साधु बनना है? बोला क्या होगा आपको? अरे आजकल के साधु बड़े मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हैं, मैं भी बनूंगा। बहुत तो अच्छी बात है, मैं आपको मोटिवेशन स्पीकर बन रहा है, साधु लोग मोटिवेशन स्पीकर बन रहे हैं, लेकिन हमको 20 साल हो गया ये काम करते हुए। उस लोग आज ही बन जाऊंगा मैं, बोल दैट्स ओके, यू हैव वेरी गुड आइडिया, यू वॉन्ट टू डू, गुड डिजायर, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू अंडरस्टैंड लाइक दैट। सो इट्स अ टाइम इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट टाइम वेस्टेज, है ना। मैं अगर 10 मिनट आपके ज्यादा भी ले लूंगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आपकी परमिशन से ज्यादा भी होगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। यस, यू आर वेरी गुड ऑडियंस, यस, आपको पक्का पता है ना। आर यू लर्निंग समथिंग, यस और नो? यस, नो, यू नो, यस, 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 या, वेरी गुड ऑडियंस, गुड, थैंक यू। सो लेट्स गो अहेड। तो ये पुलिस को सूचना मिली थी आगे चल कि गुड़गांव के क्या आपके यस, तो ये क्या करें, डिस्ट्रैक्शन एनालिसिस। गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्ते शुपजायते संगा संजायते काम काम क्रोध विजायते। भगवान बोलते हैं कि विषयों का ध्यान करने से, गीता में इसका बहुत ही बड़ा आंसर दिया भगवान ने, इसका कॉज बताया है। क्या बताया है? विषयों का ध्यान, ध्यायतो, ध्यान करने से, व्हेन यू कंटेम्पलेट ऑन द सम सब्जेक्ट, क्या होता है, विषयम संगस्ते शुपजायते, आप उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। और फिर जब वो अटैचमेंट अगर आपको क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट अगर फुलफिल नहीं होता है तो गुस्सा आता है, अगर हो जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, ये क्या लिखा है, अगर वो अटैचमेंट है ना, वाइल कंटेम्प्लेटिंग, वाइल कंटेम्पलेटिंग द सेंस ऑब्जेक्ट, द सेंसेस पर्सन डेवलप अटैचमेंट फॉर देम एंड फॉर सच अटैचमेंट्स लस्ट डेवलप, काम की इच्छा जाती है, वो काम की अगर पूर्ति नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, और अगर काम की पूर्ति हो जाती है तो क्या आता है, ग्रीड आता है, लालच आता है। बोलते हैं ना, ये दिल मांगे मोर, 2.62 भगवद गीता में भगवान लिखा है। अगर अर्जुन बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, बोलते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विपरमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। और गुस्से के बाद क्या आता है, डिल्यूजन आता है, डिल्यूजन के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है, इंटेलिजेंस मतलब आदमी खत्म हो जाता है।
तो पांच तरह के एनिमल हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं आंखों से। मौत जानते हो, पतंगा, पतंगा, पतंगा को लगता है कि आग बड़ी सुंदर है, पतंगा को लगता है कि आग बड़ी सुंदर है और भाग के जाता है और जल जाता है, आंख डिस्ट्रैक्ट कर दिया उसको। हिरण को लगता है कि ये जो हंटर है ये बहुत सुंदर फ्लूट बजा रहा है, अरे क्या मजा आ रहा है, अरे उसको तेरे को पकड़ेगा भैया। हिरण कूदता हुआ जाता है, शिकारी पकड़ लेता है उसको, वो कान से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाथी को लगता है हाथी कितनी सुंदर जा रही है, अरे कितनी सुंदर जा रही है, उसको टच करता है हाथी पागल हो जाता है, हाथी पागल हो जाता है और महावत उसको पकड़ के 7 दिन के लिए कुछ खाने को देता नहीं, उसको पकड़ लेता है। मछली को लगता है कि ये सामने जो कांटे के अंदर जो लगाया हुआ है ना ऑब्जेक्ट कितना सुंदर है, ये खाने को बड़ा अच्छा लगेगा, जीवा खा लेती है उसको और फंस जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है मछली। पांचों सेंसेस के बारे में बताया है आपको, ज्ञान तो बहुत गहरा है लेकिन आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, हाँ बहुत टाइम नहीं लेंगे, बहुत गहरी चीज गीते हैं और जगह डिस्कस किया जाएगा। तो पांच ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करते हैं, ये अपनी आंखों से कौन 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 डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मौत, मौत मतलब पतंगा, कान से सुन के कौन का डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या बताया, हिरन, अंडरस्टैंड, जीवा से होता है, मछली, स्पर्श से होता है, स्पर्श हो जाता है, इस प्रकार से। और ये भगवद्गीता में ऐसा भगवान बोलते हैं। तो क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको, रूट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो पहले का तो कंटेम्पलेशन अट्रैक्शन ने बताया है ना, ऑब्सेशन काम हो जाता है, इरिटेशन क्रोध आता है, फिर डेल्यूजन होता है, फिर फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, और फिर बिबिल्टरमेंट मेमोरी, वही श्लोक बताया है बार बार, लेकिन एक पॉइंट में काट काट के मैंने बताया आप लोगों को। तो ये जो डिस्ट्रक्शन के पॉइंट होते हैं, फिर क्या है ये कंटेम्पलेशन, ध्यान तो होता क्या है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति शराब की बोतल को देखता है, शराब की बोतल को देखने के बाद लगता है अरे लुक एट दैट, डजंट इट लुक गुड, अरे क्या ब्रांडी है यार, कितनी सुंदर है, ओह कल भी पिया था, कितना मजा आता है। ये क्या है, ध्यान तो कंटेम्पलेट कर लिया आपने, अट्रैक्शन हो गया, संग होता है, यस इट्स नाइस, यू कैन रिलैक्स एंड एंजॉय, इट्स कॉल्ड संगा। उसके बाद क्या आता है, काम आ जाता है, तो जब देखता है रिलैक्स करता है, उसको स्ट्रॉन्गली फील, He infatuated by, I want it right now, अभी चाहिए मेरे को ये, अभी मेरे को पीना है ये, this called काम, इच्छा भी उसकी, और उसको नहीं मिलता, बोला नहीं ठंडी नहीं है, लॉकडाउन में आपका कोटा नहीं मिलेगा आपको, क्या लॉकडाउन में नहीं मिलेगी शराब पीने के लिए, तो क्या आता है, Who can stop me? चाहे कितना भी आप कर लो, कितने भी लॉ लगा लो, बिहार में कितना भी जो है नीतीश कुमार बंद करके, मैं तो पीके छोड़ूंगा, Who can stop me? तो क्या आता है, क्रोध आता है उसको, हा? उसके बाद क्रोध के बाद में जब पी लेता है फिर क्या होता है, I don't need anybody advice, सब मोह हो जाता है, I know what to do, मेरे को पता है क्या करना चाहिए, मेरे को नहीं किसी का एडवाइस चाहिए, कौन देगा मेरे को एडवाइस, है ना, सब मोह हो जाता है, स्मृति भंसाद। उसके बाद क्या होता है, He started taking pleasure, There is so much pleasure here, Why should not enjoy? पीने के बाद सारी टेंशन चला जाता है, सारे टेंशन नाश हो जाता है, फेल हूँ, पास हूँ, चला खत्म हो जाता है, इतना झगड़ा हुआ बीवी से, क्यों पीता है, बीवी से झगड़ा किया है, क्यों झगड़ा किया है, शराब पीने के लिए, सब क्यों पीता है, बीवी झगड़ा करने के लिए, अरे शराब क्यों पीता है, इतना शराब पी के टेंशन दूर करना चाहता हूँ मैं भूलना चाहता हूँ, भूलना चाहता हूँ मैं, भूल भी नहीं पा रहा हूँ। कभी उसको लगता है शराब पीने से क्या होता है, जहर बन गया, कभी बोलता है मैं पी आया, मैं प्रेम द प्याला पी आया, प्रेम द प्याला लगता है उसको, जहर का प्याला है वो, उसको लगता है प्रेम का प्याला है, मैं प्रेम द प्याला पी आया, जानते हो आप, मैं पी आया, मैं पी आया, प्रेम का प्याला नहीं हो, जहर का प्याला पी गया है तू, अरे मूर्ख तू, प्रेम का प्याला नहीं है वो, अब पिटेगा, अब रात को गिरेगा तो कुत्ता सुसु करेगा तेरे मुंह पे ऊपर, प्रेम का प्याला ही वो, अगले दिन तुम्हारा सर फटेगा, अगले दिन तेरा सर फटेगा और घर वाले भी तुम्हारे सर को फोड़ेंगे, तेरे को प्रेम का प्याला लग रहा है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है व्यक्ति, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है उसके अंदर में, है ना, सो मच प्लेजर,
Why should not enjoy? क्यों नहीं करूं? स्मृति बुद्धि नाश हो गया उसका, उसको समय नहीं आ रहा करना क्या है, बुद्धि नाश हो गया. I am going to drink it right now. अभी पीऊंगा, सारा टेंशन निकाल दूंगा. This is called बुद्धि नाश हो गया. उसके बाद हेडेक, ये वो लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो गया. ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा समझ रहे होंगे ये भगवान कैसे करते हैं. तो टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए, आप जानते होंगे टाइम मैटर्स प्रिंसिपल होता है, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. जानते हो टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल, थोड़ा और जब बता देता हूँ उसमें, है ना, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. कुछ चीजें अर्जेंट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, उसका जानते हो आप ना. अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैटर फर्स्ट में है, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट. ऐसा आपको जो लिस्ट बनाओगे आप एक्टिविटीज, इसमें इस प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट डालना है. अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट. अब एग्जाम्पल देने के बाद हमारे पास समय नहीं है, आपको सिर्फ सिद्धांत बता देते हैं कि बेस्ट क्वाड्रेंट कौन होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. है ना, इज अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, और अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. तो इस प्रकार से क्या क्या उसमें आता है, टाइम मैनेजमेंट. फर्स्ट मतलब यू कैन मैनेज, सेकेंड मतलब यू कैन फोकस, थर्ड मतलब यू कैन अवॉइड, एंड फोर्थ मतलब लिमिटेड, यू कैन लिमिटेड. है ना, वो क्या क्या होता है उसमें, जैसे मैनेज वन में यू कैन डेलीगेट, एंड फोकस थिंग में डू इट नाउ, अभी करो जो फोकस करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, अंडरस्टैंड. और तीसरे में डू इट लेटर, बाद में कर सकते हो. और फोर्थ क्या है, इसको प्लान कर सकते हो आप. तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ क्या है. तो नो यू हैव टू प्लान एंड मॉनिटर योरसेल्फ, मेक योर वीकली शेड्यूल, मेक योर मंथली शेड्यूल, प्लान योर ईयरली प्रोग्रेस मेंटर के लिए. आपके पास मेंटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसमें आपके मेंटर्स होने चाहिए, आपके काउंसलर होने चाहिए जो कि यहाँ को प्रोवाइड किए जाए, आपके फैसिलिटेटर होना चाहिए जो गाइड करे आपको, उसको बताओ मेरा ये शेड्यूल रहता है, विल गाइड यू, इट्स लाइक कोच. अगर आपको अच्छा क्रिकेट सीखना है तो आपको कोच 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 चाहिए आपको इसके लिए ना. आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको फिजिक्स कोच चाहिए, जिनके टीचर चाहिए. इस प्रकार का माइंड को कंट्रोल करना है, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना है, यू नीड वेरी पावरफुल कोच. है ना, तो इस मेंटरिंग सिस्टम, तो हमारे पास यहाँ सारा सिस्टम बने हुए हैं, सारे फॉर्मेट बने हुए आपको दिया जाएगा. ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, ट्रैक करो जो प्लान बनाया आपने, जो अपने रिपोर्ट बनाया उसको ट्रैक करो, रिपोर्ट करो. है ना, एंड प्रैक्टिकल सोशल लास्ट में क्या है, चैंटिंग मंत्र मेडिटेशन, जो मैंने बताया आपको, जब मंत्र को जप करोगे आप उसके अंदर आपको दैवी शक्तियां आएंगी. है ना, तो कौन सा मंत्र जप करना है, देयर मेनी मंत्र बट यू कैन चैंट दिस कलयुगा स्पेशल मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच. मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शन, मैंने आपको कुछ सेवा करने का प्रयास किया, थैंक यू. हरे कृष्णा, आप लोग हमारी सेवा पसंद आएगा, कैसा लग रहा है आप लोगों को, यस नो 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 यस, अच्छा लग रहा है. तो आज कुछ ज्ञान की बातें की हम लोगों ने, है ना. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया और कल वाला भी अटेंड करते रहोगे. यू आर वेरी गुड ऑडियंस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद ऑल ऑफ यू. थोड़ा भागना पड़ा मेरे को बीच में, समय था एक घंटा, लेकिन ज्ञान है 18 अध्याय. थोड़ा थोड़ा के लेंगे, आज के लिए बहुत है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिए अपने जीवन में. एसेंस ये है कि अपने जीवन में एक शेड्यूल बनाओ, गोल बनाओ, उसको डेली कंप्लीट करने का प्रयास करो. आप नहीं होंगे डिस्ट्रैक्ट, नहीं होंगे डिस्ट्रैक्ट होंगे, टेक अ गाइडेंस, हैव अ मेंटर्स, वी हैव अ गुड मेंटर्स हियर. हमारे पास कांग्रीगेशन है, हमारे पास यूथ्स हैं जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं. ओके, और नहीं है तो अपने गीता पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए, आई एम श्योर कि आपको पक्का सक्सेस मिलेगा. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समय को समाप्त करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. कुछ ज्यादा बोल दिया होगा आपको, मेरी बात कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, कष्ट पहुंचा होगा, हम क्षमा चाहते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय. और ऑफिशियली क्लास खत्म हो चुका है, अगर जिसको कोई प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछने के रुक सकते हैं, और मैं 10 मिनट के लिए और आप लोगों के साथ में हूँ. But officially class is finished. Sandeep Prabhu, you can have an announcement again. Thank you so much. Thank you, Prabhu. Thank you so much, Prabhu, कि आपने अपना इतना busy schedule से आपने इतना समय निकाला, जो इतना wonderful session के लिए आपने बताया, जो काफी helpful था, काफी practical था, Prabhu. So आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, Prabhu. हम अपने जितने participants उनसे request करते हैं, अगर आपके जो questions हैं, वो जो हमारे पास हैं यहाँ पर, आप कुछ questions पूछ सकते हैं, one by one मैं Prabhu से पूछ सकता हूँ. जैसे कोई जी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, अगर आप यस यस, आपका आवाज कम आ रहा है, बिल्कुल मेरा आवाज कैसा आ रहा है, आपका आवाज सही आ रहा है मुझे, कंप्यूटर से बैठ के बाहर आ रहा होगा मुझे. यस प्लीज गो अहेड, प्लीज यू टेक क्वेश्चन जो आए हैं वो पूछिए आप, फिर बाद में जो हाथ खड़े वो पूछ लेना. यस मोहित कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर मुझे ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होती है, मुझे क्या करना चाहिए. हाँ,
और कोई सलूशन है ही नहीं, बस लगाते रहो, यही सलूशन है प्रभु, ध्यान लगाना ही सलूशन, कोई सलूशन ही नहीं है, और कोई या तो कर सकते हैं हम, लेकिन वो तो सब पिट रहे हैं सब जगह, शराब पी के पी लिया पिट लिया, मूवी देख लिया वो पिट लिया, सेक्स करके देख लिया मतलब पिट लिया, अब एक ही सोल्यूशन है प्रभु, मंत्र मेडिटेशन, और एक दिन में होगा नहीं, हम चाहते हैं आज हमारा माइंड कंट्रोल हो, जो ही मैंने बता रहा था, आज मैं करूंगा, आज कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको समय लगेगा, धीरे 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 ना, ग्रेजुअली आज करोगे थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर दूसरा जाओगे, ऐसे हम नए नए साइकिल सीखा था, क्या किया था, एक दिन में तो आपने बैठ साइकिल चला लिया, एक दिन में तो आप सीट पे नहीं आ गए, पहले दिन कैंची वाला चलाया, घुटना टूटा, लेफ्ट टूटा, है कि नहीं, कितना कुछ हुआ, फिर कैंची वाला चलाया, फिर डंडे वाला चलाया, फिर सीट के ऊपर आ गया, फिर हाथ छोड़ के चलाया फिर बाइक पे आया, तो धीरे धीरे चीज होती है ना, एक्सपीरियंस धीरे धीरे, तो आप मंत्रा जप करते रहो, है ना, मन बोलेगा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये क्या हो गया तेरे को, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, अरे चली तो सही, चली तो सही, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, अरे हज को चली सही, आज एक बिल्ली तो चली हज को, कल दो भी चलेंगी, तीसरी भी चली, वो बिल्ली का देखो जो हज ही चली नहीं है। एक बार व्यक्ति में से पूछा, मेरा दोस्त था, बोला सौ चूही खा के बिल्ली हज को चली, मैंने उसको आंसर दिया, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं बोलते, yes or no? तो आप अपना प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन वो थोएगा, लर्निंग है, सो करना है इसको, करते 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 प्रैक्टिस हो जाएगा, आप आगे निकल जाए, ओके, यस, नेक्स्ट, थैंक यू प्रभु। ये अगला क्वेश्चन आया प्रभु जी कि सर हाउ कैन आई टैकल माय ओवरथिंकिंग एंड डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डर्टी माइंड। हां, ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना है ना, तो ओवरथिंकिंग कैसे काम करें, बहुत ज्यादा सोचने को कैसे काम करें, है ना, वही मैंने बताया कि अपना लिस्ट पे लिख लीजिए, आप बना लीजिए, आप चेकलिस्ट बनाइए, आज क्या क्या सोचना है आपको मैंने बोला कि मंथली शेड्यूल में डालिए आपने हर चीजों, है ना, और थिंकिंग के लिए समय दीजिए, उसको शेड्यूल में डालिए, मेरे को 10 मिनट सोचना ही है, ठीक है, ओवर थिंकिंग करना है मेरे को, लेकिन 10 मिनट के लिए सोचो जितना करना है, सोचो जितना सोचना है, ओवर थिंकिंग करो कितना कर सकते हो, ठीक है 20 मिनट ले लेता हूँ आज, मेरे माइंड तो बहुत सोचता है ना, ओवर थिंकिंग करता है, क्या ओवर थिंकिंग करता है, कुछ थिंकिंग नहीं करता है, तो कोई काम की थिंकिंग नहीं करता, माइंड को बोल लिया, माइंड बदमाश है, ठीक है 20 मिनट ले ले, सोच क्या सोचता है, कहां तक सोचता है, बोला थिंक ग्लोबली, नोट कर लीजिए, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, सोचने में तो बहुत कुछ सोच सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है आज प्रैक्टिकल लाइफ में, उसमें लिख लीजिए, ग्रेट पर्सनैलिटी द राइट एवरीथिंग ऑन द पेपर, राइट एवरीथिंग ऑन पेपर, करना क्या है मेरे को, तो फोकस का नहीं होगा आपका, ओवर थिंकिंग कहाँ होगा, अब किसी काम के लिए थिंकिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, गुड, बट पुट इनटू शेड्यूल, वो भी शेड्यूल में डाल लीजिए आप, अंडरस्टैंड, है ना, किसी ने जो पूछा हाउ टू वी फोकस कंसिस्टेंटली ऑन गोल, पुट योर गोल ऑन द टेबल, अदरवाइज लॉस्ट गोल, गोल लॉस्ट हो जाएगा आपका, जैसे बड़े बिजनेसमैन लोग मॉडल बनाते हैं अपने सामने, डेली पेपर पढ़िए आप, है ना, वो किसी को रिपोर्ट भेजिए कि आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना कुछ किया, मेरा गोल था 100%, आज मैंने 4% कर लिया, इट्स ग्रेट सक्सेस, 10% कर लिया, दैट्स ओके, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को भी क्या कंट्रोल कर सकते हो, पहले मैंने बताया ओवर थिंकिंग के लिए अपना समय दो, ठीक है सोचो, अब जब सोचने बैठोगे ना कुछ याद नहीं आएगा यार, कुछ याद नहीं आएगा, अंडरस्टैंड, गीता पढ़ोगे पढ़ाई याद आएगी, पढ़ाई करोगे गीता याद आएगी, आप पढ़ाई करने से गीता याद है, गीता पढ़ना था, वो मंत्र जप करना था, मंत्र जप करने बैठा, अरे यार पढ़ाई करना था यार, वो जाओ वो करना था, ये करना था, इट मीन मेक अ सिस्टम, आप पढ़ाई करना तो पढ़ाई करो, जो भी करना अच्छा करो, क्या करना लिख लीजिए, जो भी करना अच्छी तरह करो, अगर सोना भी है ना अच्छी तरह सोइए, अच्छी तरह सोइए, एक घंटा डेढ़ अच्छी तरह सो लो, कुछ नहीं कर, फोन बंद कर लीजिए, लाइटें बंद कर दीजिए, पर्दा लगा दीजिए, अच्छी तरह सोऊंगा तभी आप रिलैक्स फील करोगे, जो भी करना अच्छी तरह करो, पढ़ाई करना अच्छी तरह करो, माला करना अच्छी तरह माला करो, सेमिनार अटेंड कर रहे हो अच्छी तरह अटेंड करो, अच्छी अटेंड करने वाले क्या है, राइट डाउन एवरी पॉइंट्स, क्या क्या लिखा पूरा छाप दीजिए उसको,
और बाद में उसको सोचिए आज के दिन 5 पॉइंट निकालूंगा, इसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा, क्या उतारूंगा, ये बताया था गुरु जी, बताए थे स्वामी जी, ये बताए थे प्रभु जी, प्रभु जी बताया, अगर एक ही स्टेटमेंट कर ली। बोलते हैं 12 साल रहे अगर साधु की टोली, 12 साल रहे अगर साधु की टोली, तब समझ आए एक बोली। इट्स अ वेरी ग्रेट इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, इसलिए नोट कर लीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए उसको। ओके, वंडरफुल। हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द मास्टरबेशन, बड़े अच्छे से प्रश्न पूछना है ओपनली, है ना, या दिस इज डिजीज, दिस इज डिजीज ऑफ मास्टरबेशन, हस्त मैथर, यू नो। देखो मांस के टुकड़ों को रगड़ने से कोई आनंद नहीं मिलेगा, पूरा संसार रगड़ रहे हैं, जानवर रगड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली कर रहा है सेक्स, अंडरस्टैंड, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा दो मांस के टुकड़ों को रगड़ने से। आप आइडेंटिटी भूल गए, आपकी आइडेंटिटी भूल गए कि तुम ये शरीर नहीं हो, भगवान बोलते तुम आत्मा हो, और आत्मा का भगवान के साथ प्रेम है, ये लस्ट है, लस्ट इज लाइक अ रस्ट, ये पूरा टॉपिक मैंने दिया, आप सुन सकते हो बाद में। Lust is like a rust, we should wash it must. Understand? When you're free from the lust, you're like a free bird. You can fly anywhere. So, pura Gita ke andar pura, aap Gita ke shlok ko pad sakte ho, jisko jyada problem hoti hai, lust ka, masturbation ka, shlok number, sorry, Gita chapter 3, aur ye shlok number last ke 5-6 shlok ho pad sakte ho. भगवान ने इसके ऊपर पूरा थॉरली बोला है, अर्जुन ने पूछा है तो भगवान ने पूरा दिया है ना, कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समद्भवा महाशनो महापापमा विद्ये नमः वरिणा। ये वेरी, ये काम आपका शत्रु है अर्जुन, ये आपका शत्रु है, ये काम, ये मास्टरबेशन आपका शत्रु है, आपको खत्म कर देगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कोई काम नहीं कर पाओगे आप दिन में, पॉर्नोग्राफी मास्टरबेशन आपको अंदर से खोखला कर देगा। ये इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, ये हमको पोज किया गया है, हमको बांध गया है, न्यूड पिक्चर्स दिखा के, अच्छे अच्छे ये करके दिखा के, सो मच डिस्ट्रैक्शन। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने ओपनली, थैंक यू, वी शुड, वी मस्ट स्ट्रॉन्ग। मैं बता ना, गर्म बुरा कुत्ता है, शैतान कुत्ता, ये शैतान कुत्ता का है, इसलिए ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, पढ़िए क्या लिखा गीता है भगवान ने। There are many bogus people, they said sambhog to samadhi. अरे संभोग से समाधि नहीं आती है भैया। हाँ, आप आग में जितना, आप आग में जितना क्या डालोगे, तेल डालोगे, जितना घी डालोगे, आग भड़कती जाती है, आग कम नहीं होती है। आग में घी डालने से आग कम नहीं होती है, आग भड़ती जाती है। तो भोग विलास कभी नहीं लिखा शास्त्र में करने के लिए। Eat, drink and be merry is not goal of life. Eat, but what to eat? Eat Bhagwan ka prasad. Drink, what to drink? Drink charnamrita. Not drink wine. Eat Krishna prasad. Bhagwan ka prasad khaiye. Eat, drink and be merry. Eat, what to eat? Eat Bhagwan ka prasad. What to drink? Drink charnamrita. Not a sharabamrita. Huh? Drink in merry. What is merry? Merry mean what? Shadi karo. Theek hai, shadi karo. Apna sukhi raho. एक पत्नी के साथ संतुष्ट रहो, उनकी सेवा करो, रिस्पॉन्सिबल रहो, अच्छे पैदा बच्चे पैदा करो, और कोई भगवान के भक्त बनो। अंडरस्टैंड, दैट इज, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करने से क्या फायदा, कोई काम के ही नहीं है। पापा पापा कहते थे, याद आया। सो दिस इज वंडरफुल। बहुत सारे किसी प्रश्न पूछा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न आ गए। यस प्रजी, एक क्वेश्चन है प्रजी का, इनका नाम तारा चंद है, मथुरा से हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं 4 से 5 घंटे पढ़ने के बाद में बोर हो जाता हूँ, और बट अंदर से फिर भी मन बोलता है कि और स्टडी करना चाहिए, बट मैं पढ़ाई करते करते बोर हो जाता हूँ, तो मुझे कैसे करना चाहिए? हाँ, तो हो ही जाएंगे ना प्रभु, 5 घंटे बाद अगर ध्यान से पढ़ लिए तो हो गया, किताबी कीड़ा नहीं बनना है हमको। देयर आर मेनी एंगल ऑफ लाइफ, में बहुत सारे एंगल है, बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए है। आप अच्छा म्यूजिक सीखिए, आप अच्छे कम्युनिकेशन सीखिए, आप कुकिंग सीखिए, लाइफ को में यू नो सब कुछ सीखना चाहिए। आप अच्छे अच्छे सेमिनार अटेंड कीजिए, उसमें नोट्स बनाइए, यू कैन लर्न वेरी गुड इंग्लिश, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो करो। आप 7 घंटे क्रिकेट खेल के आ गया, वो 3 घंटे सोएगा बैठ के, 1 घंटा मूवी देखेगा,
एक घंटा मास्टरबेशन करेगा, फिर 6-7 घंटे सोएगा बैठ। तो लाइफ इज वेरी डिस्ट्रैक्टेड। इसलिए हमारे पास, जहां जहां आप रहते हो हमारे सेंटर होंगे, जहां भी आप रहते हो, किसी भी सिटी में स्टेट में रहते हो, हमारे वहां बेस होंगे। बेस में आप जा सकते हो, टेम्पल में जा सकते हो, वहां जाके सेवा करो भगवान का, जो फ्री टाइम है आपके पास में, तो है ना। वी स्टे मॉर्निंग फॉर कृष्णा होल डे फॉर यू। हमारे पास बहुत अच्छे यूथ है, सारे पढ़े लिखे यूथ है, अपना अच्छा जॉब करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर जॉब भी करते हैं, दोनों बैलेंस करते हैं लाइफ में, है ना। तो आप 5 घंटा पढ़िए, 1 घंटा गीता भी पढ़िए, 1 घंटा भगवान का नाम जप कीजिए, 1 घंटा अपने माता पिता की सेवा कीजिए, और 1 घंटा भगवान की सेवा कीजिए। वही मैंने बताया, मेक इट अ शेड्यूल, करना क्या है 5 घंटे, है ना। 5 घंटे 6 घंटे पढ़ो, क्या दिक्कत है, अंडरस्टैंड। तो हर लाइफ में हर चीज करने का, तभी आपको आनंद आएगा, तभी आपको आनंद आएगा। देयर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, सो बिकॉज माइंड को वैरायटी चाहिए। नहीं तो आप 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, माइंड नीड वैरायटी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम कुछ और वैरायटी चाहते हैं। नच बलिए और नच बलिए, अब नच बल्ली कब तक नचाएगा बताओ, बल्ली कब तक नाचेगा, नाचना लाट टूट गया उसके, कब तक नचाएगा उस बल्ली। कुछ भगवान का कीर्तन सुनो, यू अंडरस्टैंड, इतने सुंदर सुंदर कीर्तन है हमारे पास में। भगवान जी से मन भी प्योरीफाई होगा, आपके हृदय में आनंद भी आएगा। यस और नो, प्रेम का प्याला चल रहा है, नच बलिए चल रहा है, बाकी तो क्या होगा सर, माइंड गंदा ही होगा ना उस। ओके ओके यस, और कोई जी? एक क्वेश्चन है जी की, हाउ टू फोकस कंसिस्टेंटली ऑन द गोल्स, आई वर्क हार्ड 1-2 डेज एंड देन गेट डिस्ट्रैक्टेड अगेन। या टेक गाइडेंस, टेक गाइडेंस वंस। आप डिस्ट्रैक्शन जब होते हो, कहां होते हो उसके लिए बताइए अपने सुपीरियर्स को, वी हैव वेरी गुड हियर फैसिलिटेशन सिस्टम, है ना। अपना नाम दे दिए और आप इसे, आपको गाइडेंस लीजिए कहाँ पॉइंट पे। देखो हर चीज़ आप यहाँ ऑनलाइन ही हो पाया है ना, कुछ चीज़ें हमको क्या करता है पब्लिकली एक लेते हैं, पब्लिकली मीन कुछ चीज़ हम सामने नहीं पूछ सकते, है ना। और कुछ चीज़ें आपको पर्सनली करनी पड़ेंगी आपको, है ना, पूछना पड़ेगा, अपना लाइफ को बताना पड़ेगा, कहाँ हो, कैसे किया है, क्या कर रहे हो, कहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हो, हो भी लोग जहाँ आपको लग रहा है, तो फिर देख के आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट से सीखना है ना, तो क्रिकेट टीम के कोच होते हैं, वो बताते हैं आपको कैसे मारना है, किस एंगल से लेना क्या है, कौन सा फ्रंट में शॉट मारना है, कौन सा बैक पे मारना है, कौन सा उल्टा करके मारना है, कौन सा पीछे करके मारना है, कौन मार सकता है, मार भी नहीं सकता है, आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इट्स रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक यू नीड कोच, यू नीड डॉक्टर, डॉक्टर बोलता है क्या खाना है, ये तुमको पानी के साथ खानी है, ये बिना ये दूध के साथ खानी है, ये खाने से पहले खानी है, ये खाने के बाद खानी है, ये खाने के बीच में खाना है। यू नो व्हाट टू गिव, आपकी अकॉर्डिंगली आपको दवाई देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, वी हैव फैसिलिटेशन सिस्टम हियर, दे विल गाइड यू प्रॉपरली। इफ यू आर मेकिंग, इफ यू आर नॉट बीइंग सक्सेसफुल, टेक गाइडेंस, आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम वेरी पावरफुल। ओके नेक्स्ट तारीख, गर्ल को अपना सिस्टर और माता जी कैसे माने, बाप रे बड़ी परेशानी हो रही बेचारे को, अंडरस्टैंड। मैं एक बार सेमिनार दे रहा था ऐसा, नीचे प्रश्न आया कि मैंने बोला कि सारी सारी स्त्रियों को माँ के समान समझना चाहिए और सारी माता को माँ के समान समझना चाहिए, तो एक लड़का हाथ खड़ा कर दिया, स्वामी जी, मैं बोला मैं समझ गया, बोला महाराज जी आप क्या समझे, मैं तो ये पूछने वाला कि शादी कैसे करूं, बोला हाँ यही पूछना चाहता हूँ, सबको मां बनाऊंगा तो शादी कैसे करूं। मैंने बोला तुमको शादी की टेंशन क्यों है, शादी सबकी हो जाती है, भिखारी की भी शादी हो जाती है, शादी शादी ना हो ये प्रॉब्लम नहीं है, शादी ना करना प्रॉब्लम है, शादी सबको मिल जाता है, अंडरस्टैंड। तो कैसे माने उसको, मातृवत परदृश्य, कैसे माने उसको, सब माँ के समान है, ये इसके लिए दिव्य ज्ञान चाहिए, इसके लिए दिव्य ज्ञान चाहिए। हमको लगता है हमारी माँ बहन को छोड़कर हमारी सब बाकी गर्लफ्रेंड है, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। वैदिक संस्कृति ऐसे ही नहीं है, आत्मा बत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडितः, यह पश्यति पंडितः, जो हम दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करें जैसे हम आपके साथ चाहते हैं,
भात्रावत प्रदेशु और उस जगह बताया दूसरे के धन को पुण्य के समान समझना चाहिए, दूसरे से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपने साथ करना चाहते हो, यह पश्यति पंडिता, वो पंडित है ना। सो इसलिए हाँ अब हरे हेलो हाय छोड़िए, हरे कृष्ण बोलिए, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉन्शियसनेस है ना, क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया। आप क्या करें आज, क्या करें तो समय समय धीरे धीरे, इसलिए वैदिक संस्कृति को पढ़ना, गीता को पढ़ना, आपको लगेगा कि हम सब भगवान के अंश हैं और जो है वो एक्चुअली ह्यूमन फॉर्म नहीं मिला लस्ट के लिए, सेटिस्फाइड जानवरों को चाहिए सेक्स करने के लिए, और सेक्स कर भी नहीं पाएंगे, ज्यादा 5 मिनट के बाद खत्म हो जाऊंगा, सांस फूलने लगेगा, कुछ सेक्स भी हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते जानवरों के लिए, आदमी के लिए आत्म साक्षात सेक्स इज नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, बट दे हैव प्रोपेगेटेड इन सच ए वे, द प्रोपेगेंडा इज सो हाई, दिस वाज इंटेलेक्चुअल स्लेवरी, इवन द ओल्ड पीपल दे आल्सो सॉ पोर्नोग्राफी, देयर सो मच एडिक्शन इज देयर। सो इसलिए हमको बचना है, अपने आप को बचाना है और लूचों को भी बचाना है, इतना गंध मचा हुआ है। ऐसे कई क्रिश्चियंस मूवमेंट भी शुरू हुआ है, देयर एंटी पॉर्न एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारा डाटा हमने बताया नहीं, आपको चेक कर लीजिए कितना करप्शन है इस पे करने के ना। तो मन को साफ रखना है भगवान का नाम जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, छोटा सा 2 मिनट लूंगा आपके, ये है माला, ये आपको माला माल कर देगी, ये माला है भगवान का नाम जप कीजिए, 108 मन की होते हैं इसके अंदर में, यहाँ शुरू करना है, ये उंगली टच नहीं करते क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग उंगली होती है ना, इसको टच नहीं करते, यहाँ से दिख रहा है सबको, मेरे पीछे बोलिए, मंत्र बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस मन के ठीक है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, करना क्या है, हम क्या करते हैं वो बता रहा हूँ, सीक्रेट बता रहा हूँ, जो चले गए वो सीक्रेट नहीं ले पाए, जो बच गए सीक्रेट ले पाए। ये देखो करना क्या है, यहाँ शुरू करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा मंत्र उसे ना, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पूरे 108 मन के हैं, और आप 108 मन के कर लोगे ना, आपकी एक माला हो, स्टार्ट विद मन राउंड। आप बोलोगे स्वामी जी मेरे पास माला नहीं, उंगलियों पे कर लो, जैसे ये कर रहे हैं रोहित जी कर रहे हैं, ठीक है, उंगली पे कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसके 108 बना लो, फिर दूसरे फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मंत्र मन प्लस त्र, मंत्र जो मन को तारता है उसको मंत्र बोलते हैं, आपके डिस्ट्रैक्शन सब खत्म हो जाएंगे, स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, एक दिन में डेली कम से कम एक गीता का श्लोक पढ़ो, 10 मिनट के लिए पढ़ो, आप देखिए इतना जीवन शुद्ध हो जाएगा, आपका जीवन इतना पवित्र हो जाएगा, आपको लगेगा मैं उड़ रहा हूँ, आपको लगेगा मेरे को मैं शराब बिना पिए उड़ रहा हूँ, फिर आपको लगेगा मैं रियली आज प्रेम का प्याला पी, ये प्रेम का प्याला है, समझिए ये भगवान का नाम प्याला है, इसे पी लीजिए, ठीक है, आप बहुत खुश हो जाएंगे, आपको बहुत आनंद आएगा, ये तो हम देने के लिए, और क्या हमारा क्या पर्पस है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया, पैसा कुछ लिया है, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री सेमिनार कर रहे हैं, लेकिन ये मैं कॉर्पोरेट में देता तो मैं फिर सबको देता, अच्छा सा आपके लिए फ्री कर दिया, अंडरस्टैंड, तो फ्री का ज्ञान दे रहे हैं हम आपको, क्या चाहिए, घर हमने छोड़ दिया, बाहर हमने छोड़ दिया, कुर्ता चाहिए हमको, धोती कुर्ता चाहिए, साल में 1000 रुपये कहते हैं, 1000 रुपये खर्चा है, सुबह खाना प्रसाद चाहिए, शाम को चाहिए, बट वी वर्क 24/7 और एक पैसा नहीं लेते हैं किसी से, जस्ट वॉन्ट टू सर्व यू ऑल सेल्फलेसली, हमारा कुछ कोई मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव क्या मोटिव, कोई पूछो क्या मोटिव है, हमारा यही मोटिव कि आप सब लोग सुखी हो, ऑल ऑफ यू बिकम हैप्पी, सर्वे जना सुखी न भवंतु, वी वॉन्ट एवरीबडी शुड बी हैप्पी, व्हाई टू स्ट्रगल, माया ने सबको दुखी बना रखा है, जो चैलेंज बता रहे हैं भक्ति है, ये माया ने पकड़ रखा है ना, तो जिसके जीवन में दुख है अगर वो भगवान की भक्ति करेगा वो सुखी होगा, ओके ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच, आई नो देयर मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न उत्तर है आप लोगों के पास में,
और यस यू कैन विजिट, यू कैन मीट मी एनी टाइम. आप मेल कर सकते हो, फोन कर सकते हो और अपने प्रश्न पूछ सकते हो. एक क्वेश्चन है ना, सो आई लव टू आंसर द योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. मे लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू. विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू. हम आपके सबके लिए प्रार्थना करेंगे, भगवान से, ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि भगवान के चरणों में आपकी बुद्धि लगे, आपकी मति लगे, है ना, आपका स्वास्थ्य सही रहे, आपका परिवार ठीक रहे और आप अच्छे ढंग से अपने जीवन को आप बैलेंस कर सको, है ना, और कुछ समाज के लिए कुछ कर सको. है कि नहीं? मतलब रोते हुए सब आते हैं, रोते हुए सब आते हैं. समझ आ रहा है? जब हम संसार में आए तो क्या हुए? हम रोए, है ना, है कि नहीं? जब हम संसार में आए तो क्या हुआ? बहुत रोए. अगर नहीं भी रोया था तो थप्पड़ मार कर रुलाया जाता, रो तो पता कि बीमार ना हो. है कि नहीं? आप कुछ ऐसा करके जाओ, जब हम संसार में आए हम रोए और जगत हंसा. जब हम संसार में आए हम रोए और जगत हंसा. आप कुछ ऐसा करके जाओ, आप कुछ ऐसा करके जाओ कि आप हंसो और जगत रोए. आप हंसते हंसते जाओ संसार से और जगत आपके लिए रोए. यार क्या वो, क्या संदीप, क्या आदमी था यार. कितना अच्छा हमको वीडियो बना बना के देता था, क्या एक्टिंग करता था वो यार. कितना अच्छा इंसान था यार. इस इसका संसार का बहुत क्या होगा, नुकसान होगा उसका, पृथ्वी को बहुत हानि होगा. तो ये हंसते हुए जा रहे हैं. हंसते क्यों जा रहे हैं? ये भगवान के धाम जा रहे हैं, ये ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, जीवन में तपस्या किया भगवान की, भगवान के पास जा रहे हैं. और संसार जब आया था रोते हुए आए, जा रहे हंसते हुए जाएंगे. ठीक है. सो वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट. होप मैंने आपको सेवा करने का प्रयास किया. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. प्रभुपाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने इतना सुख समय दिया मुझे. और हम आपको ये आपको प्रॉमिस करते हैं गुरु जी कि आपने जो बताया हमें और हमें फाइनल जो मैसेज दिया आपने कि चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण और डेली भगवद गीता का वंश हो. और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स लास्ट तक हैं सभी कल से इसको जरूर फॉलो करेंगे और जरूर अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी कि आपने इतना प्रैक्टिकल, इतना लॉजिकल और फ्रॉम द पॉइंट सोल्यूशन भी हमें बताया. और हम आपसे ये भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आगे भी आप इस तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहें. तो हम आपका बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लास्ट तक यहाँ पर रहें और आपने सेशन को अटेंड किया. तो अभी कल भी आप लोगों के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है. तो प्लीज और उसके साथ सेशन के साथ सर उसमें कई अनाउंसमेंट होने वाले हैं फर्दर. अब आगे क्या करना है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि देने के लिए तो हमारे पास कई चीजें हैं. भगवान ने हमें दो कान दिए हैं और एक जीभ दी है ताकि हम ज्यादा सुन सकें और कम बोल सकें. तो आगे क्या फर्दर प्रोग्राम्स हैं, क्या सेशन होने वाले हैं, वो आपको कल अनाउंस किए जाएंगे. इसलिए कल का सेशन, एक कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला. तो अगर अंत अच्छा हो गया तो ये पूरा जो आपने सेशन, जो पूरा कोर्स है वो पूरा अच्छा हो जाएगा. इसलिए कल के सेशन को आप मिस मत करिएगा, जरूर आइएगा. सेम समय पर ये सेम जूम लिंक से यूट्यूब का लिंक आपको शेयर किया जाएगा. प्लीज डोंट मिस दिस सेशन. थैंक यू सो मच कि आप लोग समय निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग जिस तरीके से कल जरूर आइएगा. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. Amen.
कृष्णा हरे हरे।